अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी एंड वलायती किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सेमोलिना स्क्वेयर्स की रेसिपी लेकर आई हूं। व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, सेमोलिना स्क्वेयर्स के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। यहाँ पे 1.5 पाव चीनी है मेरे पास, 1/2 किलो सूजी है ये मैंने छान के रख ली थी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सफेद इलायची है, 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ खोपरा है, 1/2 कप किशमिश है, 1.5 पाव घी है मेरे पास, मैंने घी और चीनी बराबर ली है, पिस्ते और बादाम है गार्निशिंग के लिए, 1/2 कप क्रीम है ये मैंने फेंट ली थी, 1/4 ग्लास पानी है मेरे पास। सेमोलिना स्क्वेयर्स के लिए हम सबसे पहले इसका शीरा तैयार कर लेंगे। पैन में मैं पानी डालूंगी, साथ ही इसमें जाएगी चीनी। यहां पे आपको बताती चलूं, इसके लिए मुझे 1 तार का शीरा तैयार करना है। चम्मच आपने हिलाते रहना है ताकि चीनी अच्छी से पानी में डिसॉल्व हो जाए। शीरा हमारा पकना शुरू हो चुका है, अब हम वक्फे वक्फे से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। व्यूअर्स, शीरा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखे मैंने 1 तार का शीरा तैयार किया है इसके लिए। अब हम शीरे को चूल्हे से उतार लेंगे। सूजी के स्क्वेयर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई में सबसे पहले घी गरम करेंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये इलायची के दाने डालेंगे। और इलायची की खुशबू आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। इलायची के दाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसके अंदर सूजी डाल देंगे। और सूजी को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन कलर की ना हो जाए, हमें इसका लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर चाहिए होगा। सूजी को भूनते हुए आपने आंच दरमियानी ही रखनी है, ना ज्यादा तेज हो ना ज्यादा कम, और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि सूजी जलने ना पाए। सूजी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, अब हम यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट मजीद भूनेंगे। व्यूअर, सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर शीरा डालेंगे। शीरा डाल के हम इसको अच्छा सा पका लेंगे। फिर शीरा डालने के बाद हम साथ ही इसमें डालेंगे किशमिश, साथ ही इसमें जाएगा एक खोपरे का बुरादा, आंच आपने आहिस्ता कर देनी है। अब हम यहां पे इसके अंदर क्रीम डाल देंगे जो हमने फेंट के रखी हुई है। व्यूअर्स, क्रीम डालने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेना है। व्यूअर्स, सूजी को क्रीम डाल के पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ग्रीस किए हुए स्टील के ट्रे में लगा लेंगे, और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी टुकड़ियां काट लेंगे। व्यूअर्स, ट्रे को मैंने ग्रीस करके रख लिया है, अब हम ये सूजी इसके अंदर डालेंगे। व्यूअर्स, सारी सूजी ट्रे में डालने के बाद हम स्टील की प्लेट की मदद से इसको ऊपर से दबा के इस तरह से बराबर कर लेंगे ताकि टुकड़ियां काटने में आसानी हो। अब हम इसके ऊपर ये पिस्ते बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। व्यूअर्स, सूजी को ट्रे में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसकी टुकड़ियां काट लेंगे। आपने ज्यादा इसको ठंडा नहीं होने देना वरना फिर टुकड़ी काटने में मुश्किल होगी। व्यूअर्स, सूजी को ट्रे में डाल के 5 मिनट रहने के बाद हमने इसकी टुकड़ियां काट ली हैं, अब हम इन टुकड़ियों को डिश आउट कर लेंगे।